आपके साथ एक चीज पेश की जाए। इसका नाम लिया सलाम सलाम बीच 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 आ जाओ। अब आपको पता है ये किस लिए हमने आपको दिया? सब्जियां उगाने के लिए। बेसिकली हमने ये पिछले साल आपको 31 मार्च से पहले देना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारा मशीन जो है वो नहीं आ सका तो लेट हो गया। आप अभी खड़े करने लगवाने सारे जाती है, अब बात सीजिए हमारे ये सब साथ हैं, ये सारा आपका चेक करेंगे, लगा करेंगे, सीपर करो सारा चीजें बनाएंगे, उसी बीच सारा खड़ा करके शीटें दो दो क्या करना है, शील्डिंग इसमें लगानी है पहले फरवरी के महीने में, ताकि आपकी सब्जियाँ जो जल्दी तैयार हो। और ये सारा मुद्दा इसका आपको देने का यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हमारे किसान भाई जो उनकी इनकम जो है वो दुगनी हो 2022 तक। अब मक्की और गंदम लगाने से तो हमारी दुगनी होने वाली नहीं है ना, सारा बिक जाएगा और इससे पैसा आपको मिलेगा जिससे आपकी इनकम है जो वो बढ़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, सारे लोगों ने इसके ऊपर अमल करना है। ठीक है, मोहम्मद आजम जी जी, मैं सलोत्री का रहने वाला, एग्रीकल्चर की तरफ से जो हमें दिए गए हैं जी, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि सब्जी वगैरह के बहुत वहाँ पर हमें लोगों को किल्लत थी, पनीरी वगैरह लगाएंगे सब कुछ। अभी इन्होंने बोला है कि ये स्टिकर वगैरह खड़े कर रहे हैं, जनवरी के बाद जो है इनको जो है हमने ज्वाइंट करना सब कुछ करना है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमने सलोत्री में हमें दिए। तो बॉर्डर एरिया में कोई जिम्मेदारी करने में कोई परेशानी? बॉर्डर एरिया क्योंकि बॉर्डर एरिया में ना कोई पहुंच सकता है ना कुछ, हम जिम्मेदारी वगैरह बॉर्डर एरिया में तो हमेशा ही आप गए हैं, कई बार गए हैं आप, लेकिन बॉर्डर एरिया में जो है वहाँ पर ये काम हमेशा जो है करते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट बार ये जो है इन्होंने दिए हैं एग्रीकल्चर वालों ने, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें भेजा है। हाँ, कहाँ से आए आप? मैं दस्ते सर। जो बताएंगे कि आज जो आपको यहाँ पे सामान दिया गया है, एग्रीकल्चर चीफ साहब ने जो यूनुस साहब यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने जो है ये सामान दिया है। एक तो पहली बार मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि फर्स्ट बार हमें हमारे गांव में जो मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला। तो हम बकवात हैं कि हम जो है इसकी सब्ज़ी उगाएँगे, अच्छी तरीके से पनीर बनाएंगे, पनीर बनाकर वो बिक्री करेंगे। पानी भी है हमारे वहाँ पर, ठंडी जगह है, बहुत अच्छी है, अच्छा इलाका है, वहाँ पे जो है सब्जी वगैरह अच्छी उग लेंगे। और हम शुक्र गुजार हैं आप मीडिया वालों का भी और उनका भी, चीफ साहब का भी। मामा लतीफ सरपंच दरा दुनिया कुवाड़िया। सर, हम एग्रीकल्चर महकमे का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ हमें जो ये पालिस दिया है ये सब्जी के लिए। सब्जी ये हमारा सरहदी इलाका है, इसमें हमें इसके इसमें सब्जी तैयार करेंगे। हमें गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास करके हमें चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पूंच और हमारे जो स्टाफ है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ट्राइबल सब प्लान का एक हमारा पैसा हमारे पास आया जो 31 मार्च से पहले आया था और हमने ये मटेरियल जो है परचेज़ किया था, तो ये पाली हाउस जो है इन लोगों को हमने 31 मार्च से पहले देने थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारा आधा मटेरियल पहले आ गया, आधा हमारा मटेरियल जो है वो लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों में कोई जम्मू फंस गया। तो अब लॉकडाउन ख़त्म होते ही ये सारा माल जो जब हमें मिला है, तो हमने वो ट्रैवल सब प्लान के हमारे जो दो मॉडल विलेज सिलेक्टेड हैं, जैसे हमारा यहाँ दरा दुनिया और सलोत्री एक मॉडल विलेज है, इसी तरह मेंटर साउटिन में हमारा एक कालाबन और गुरसाई मॉडल विलेज है। तो 35-37 हमारे यहाँ पे पालियोसी स्ट्रक्चर थे इन दो विलेजेस के लिए जो इनको हमने इशू किए। इसी तरह से 15 हमारे स्ट्रक्चर जो ये पाली ग्रीन हाउसेस के हैं वो मेंटर में बजाती हैं, वहाँ भी इंशाल्लाह एक दो दिन में इशू करेंगे। तो थोड़ा सा ये डिले हो गया लॉकडाउन की वजह से, अदरवाइज़ डिपार्टमेंट की ये मंशा थी कि हम इनको
स्टिपुलेटेड टाइम में यानी फरवरी या मार्च में देते ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सकते, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से जो परेशानी आई उसकी वजह से अब ये मटेरियल जो है ये हमारा अगले आने वाले रबी सीज़न में जो वो काबिले इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि हमने रिकमेंडेशन जो हमारे PRI की है, जहाँ पे हमारे BDC चेयरपर्सन या हमारे सरपंची नज़र आते हैं, उनकी एक रिकमेंडेड लिस्ट थी जिसको हमने अपने टेक्निकल स्टाफ से पहले वेरीफाई करवाया और फिर ये माल जो है उनको दिया और टेक्निकल गाइडेंस जो है वो फार्मर्स को दी गई है ताकि वो इसका इस्तेमाल करके अपनी जो रियल इनकम है फार्मर की, ज़िम्मेदारों की जो इनकम है उसको डबल करने का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मनसूबा है उसमें ये एक अहम रोल जो है इसके इस्तेमाल करने से ज़िम्मेदार जो है वो कर पाएंगे।